मध्य प्रदेश की वो जगह है जहाँ दिन में तो सब कुछ सामान्य सा लगता है मगर शाम होते ही यहाँ जिस्मों की नुमाइश होने लगती है जहाँ लोग अपने शारीरिक मनोरंजन के रात होते ही पहुंच जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ रेड लाइट एरिया के बारे में जहाँ हर कोई इन हुस्न कलियों की गिरफ्त में आकर लूट जाता है दर्शकों जिंदगी झंड फिर भी घमंड ऐसा हम नहीं कहते बल्कि लोग कहते हैं इसी कहावत को सही साबित करने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं अपने मन को बहलाने मगर वो भूल जाते हैं कि वहां जाकर वो लुट जाएंगे उनकी जेब एक झटके में ही खाली हो जाएगी सबसे पहले हम बात करते हैं जबलपुर के गुलंदी बाजार के पास लकड़गंज की जहाँ शाम होते ही खूबसूरत लडकियां अपनी अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती है और बाजार में खड़े लोगों को ताड़ने लगती है जिनमें रिक्शा चालक से लेकर दुकानदार सहित वहाँ से निकलने वाला हर राहगीर शामिल होते है फिर हर कोई इन हुस्न परियों के जाल में फंस जाता है हालांकि यहाँ पर मुजरे से लेकर आपकी रात रंगीन बनाने तक का इंतजाम होता है बस आपकी जेब गर्म होनी चाहिए अगली जगह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेशमपुरा इलाका जो देव व्यापार के लिए जाना जाता है ना ही नहीं यहाँ इस कारोबार में विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स कॉलेज गर्ल्स की संख्या भी बढ़ रही है अब दलालों की पहचान मुश्किल हो गई है मंसूर से नीमच के बीच सड़कों के किनारे जिस्म फरोसी की जितनी दुकानें हैं उससे अधिक दुकानें अड्डे गांवों के भीतर है अगली जगह है शिवपुरी जहां देह व्यापार एक सदी से होता आ रहा है और यही कारण है कि ये रेड लाइट एरिया के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है लगभग सौ वर्षो ऐसी यहाँ बेड़िया जाति की युवतिया देह व्यापार के पेशे में संलग्न है बीरार क्षेत्र के डाबर का पूरा, टोरिया का पूरा गांव की ये युवतिया यहाँ देव व्यापार कर रही है तो ये थे मध्य प्रदेश की रेड लाइट एरिया जहाँ वासना की एक अलग ही दुनिया की झलक दिखाई देती है